नमस्कार, मैं मनीष, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बघेल फार्मर में। आज हमारी विजिट है CCPF सूरतकर फार्म राजस्थान, जो फार्म थारपारकर गायों पर काम कर रहा है। और इस फार्म के में जो थारपारकर पे काम किया जा रहा है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी गौ माता हमें देखने को मिली। उनमें से एक बुल है जो लेजेंडरी बुल है, वो है 7237। 7237 एक बहुत ही उम्दा और रूपदार जो बुल होता है उस तरीके का है। इसमें एक अलग सी चमक है और आप इसका देख सकते हो, इसका जो फोरहेड है काफ़ी हैवी और काफ़ी ब्रॉड है और उसके माथे पे कोई पोल नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है। और जो हॉर्न की स्पेसिंग है वो बाहर की तरफ होती है, लेकिन इसके हॉर्न है नहीं। और वहीं ईयर की बात करें तो इनके कान बड़े लटके हुए होते हैं। और वहीं हम की बात करें तो हम काफ़ी बढ़िया है। और जो इसकी टॉप लाइन है, जो रैंप के हमसे आगे और रैंप से पीछे जो एक शेप है अप टू डाउन, वो होना बहुत ज़रूरी है, जो मिल्क लाइन की एक पहचान है। और वहीं हम इसके रैंप की बात करें, जिसके ऊपर किसी गाय का ऑर्डर डेवलप होता है, तो इसका रैंप भी काफ़ी बढ़िया है। और वहीं इसके टेस्टिकल्स देख सकते हैं आप, जो काफ़ी बढ़िया टेस्टिकल्स हैं। और रेडोमेंट्री टिट्स जो हैं इस बुल के, वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। और वहीं हम बात करें इसके नेवर फ्लैप की, तो नेवर फ्लैप उम्र के साथ थोड़ा जो उम्र के साथ उनकी जो स्पेस होती है जो वो थोड़ी बढ़ जाती है। और वहीं इसका जो चेस्ट फ्लोर है, जो टिट स्पेसिंग से लेकर चेस्ट फ्लोर तक की जो जगह होती है वो लटकी हुई होती है, क्योंकि ये गर्म इलाकों में जो थारपारकर है ये वहाँ की रहने वाली है, तो उसको अपने शरीर के मुताबिक बनाने के लिए इनका जो चेस्ट फ्लोर और जो इनका ड्यूलैप है वो काफ़ी बड़ा होता है। और वहीं इनका जो बिस्कुट, जिसको हम नीचे गलकंबल के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम बिस्कुट, और वहीं इसका जो ड्यूल फ्लैप है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इस बुल में जो ड्यूल फ्लैप है वो डबल जीन वाला है। आप गौर करिएगा, इस बुल में अगर आप कोशिश करोगे देखने की, तो इस बुल का जो ड्यूल फ्लैप है वो डबल जीन का है, जो मुंह के नीचे से दो एरो से ट्रायंगल बनता है उसको हम बोलते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया है। और वहीं अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रोजेनी के बारे में, तो इस बुल की जो 7237 की जो प्रोजेनी है, जो फर्स्ट लैक्टेशन में 15 से 16 लीटर तक का फर्स्ट टाइम मिल्क दे रही हैं। और वहीं बात करें इसकी जो थर्ड टाइमर की जो काविंग करती है इस बुल की, वो करीबन 20-22 लीटर दूध देती है। और वहीं इस फार्म में इसका एक बुल रहा है यही वो बुल है जिसका जो 7237 का बेटा है। आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने दो बुल दिखाए हैं, जिसमें जो यंग बुल है वो इस 7237 का बेटा है। यही वो बुल है जो 7237 का बेटा है, जो इस टाइम पे ब्रीडिंग बुल है इस फार्म का, CCPF का, जो अभी प्रेजेंट में जो ब्रीडिंग बुल है वो ये 7237 का बेटा है। आप इसका फेस और इसका रूप देख सकते हैं, कई हद तक इसमें भी उसी तरीके का रूप है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हैं जो 7237 पे नहीं आए हैं, जैसे कि इसका ड्यूलैप जो है, जो गलकंबल है, वो इतना खास नहीं आया है। और हालांकि इसकी हाइट उससे ज़्यादा अच्छी है, इसकी जो हाइट है वो 7237 से काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं इसका जो कलर पैटर्न है वो सेम है, और इसका जो बॉडी कैरेक्टर है ये काफ़ी उम्दा है। और इस टाइम पे जो ब्रीडिंग के लिए यूज़
किया जा रहा है CCPF में वो यही बुल है। और इस बुल की क्या बात करें, ये बुल खुद में ही उम्दा बुलों में से है। और आप इसको देख सकते हैं, ये अपने अपनी जवानी में है। और वहीं इसके फादर की बात करें तो अब ये अपने अंतिम पड़ाव में है। पर हाँ, अगर इस बुल को हम किसी फार्मर को दे दें और उसको थोड़ी सी अच्छी डाइट दी जाए तो हाँ, इससे हम दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, इसको इस बुल को जो देखते हैं तो इसका अलग से ही इसका एक ऑरा है। जिस ऑरे की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इसका जो फेस है, जो हेड है और जो इसकी हम की पोजीशनिंग है, काफी उम्दा है। ऐसे बुल काफी कम देखने को मिलते हैं। और इस बुल को CCPF ने इस बुल के सीमन यूज नहीं किए थे, ये सिर्फ डायरेक्ट मैटिंग से ही CCPF में इसके बच्चे आए हैं। हालांकि अगर CCPF गवर्नमेंट अगर इसके सीमन निकाल के अगर किसानों को बांटती तो हालांकि इसके काफी रिजल्ट हमें देखने को मिलते, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, अगर आप इस बुल के मेल काफ परचेज करना चाहते हैं तो आपको CCPF चाहिए सूरतगढ़, और वहाँ पे आप बुल सेलेक्ट कीजिए। उसके जो काफ है वो डिपेंड करता है कि उसका पेडिग्री डिटेल क्या है, उस हिसाब से उनकी रेटिंग रखी गई है, उनकी कॉस्ट रखी गई है। अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हैं उस बुल को वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो मैक्सिमम प्राइस रही है इस बुल के जो काफ हैं जो सेल हुए हैं वो 35,000 रुपये रही है। यानी आपको 5,000 से लेके 35,000 के बीच में आपको बुल प्रोवाइड करा देगा CCPF। और हाँ, CCPF पे अच्छी से अच्छी दुधारू गाय आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो इसी बुल की बेटियां हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, आप पेडिग्री डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये प्रोजनी टेस्टेड बुल है। आप चाहें तो इसका पूरा रिकॉर्ड देख के वहाँ पे से आप काफ मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं। हाँ, पर वहाँ पे वो गवर्नमेंट से होता है तो उनके कुछ नियम कानून होते हैं जिस वजह से आपको डिले हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद है आप जाइए और आप देख के आइए। धन्यवाद, और आप आगे देखते रहिए।